अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करते रहें। जैसे कि मैं ये सोच रही थी कि जब जब आजकल हम न्यूज़ चैनल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि ओह कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। वरना एक टाइम था कुछ टाइम पहले तक ही हम ये सोच रहे थे कि ओ हम पाकिस्तान अब काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है, वैक्सीनेटेड है, तमाम प्रिकॉशंस जितनी हैं उन तमाम को फॉलो किया जा रहा है और कोविड के केसेस कम होते जा रहे तो हमेशा लगा था कि हम बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएंगे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें नहीं सुनने को मिलेंगी। लेकिन अब वापस से आ रही हैं तो वापस से थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाती है। तो इसलिए हम सारे लोग मिलके, पहले तो यही कि जी सब लोग मिलके ख्याल करें मास्क का और जितनी प्रिकॉशंस जो हम पहले कर रहे थे वो वापस से करें, ताकि जो है ये तमाम चीज़ें जो बढ़ रही होती हैं और फिर इन दी एंड हम सबका ही लॉस हो रहा होता है। मार्केट्स बंद हो रही होती हैं, जॉब्स जो है जाना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स ये भी हो जाता है कि जब ज़्यादा काम नहीं हो रहा होता तो ऑब्वियसली जॉब्स कम कर रहे होते हैं कि जी डाउनसाइजिंग हो रही है, तमाम चीज़ें। तो इन दी एंड हम सबका ही लॉस है, आवाम का ही लॉस हो रहा होता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर ही इस चीज़ को बेहतर करना है एक दूसरे के साथ कि जी एहतियात वो तमाम चीज़ें जो है वो करते रहें और बच्चों को भी लाजमी कराएं। आई नो ये टाइम से चल रहा है तो अब सारे लोग परफेक्ट हो गए हैं, सब जानते हैं क्या क्या तमाम चीज़ें करनी है। और खाना ऐसा खाएं जो कि आपको इम्यून सिस्टम जो है वो आपका वो अच्छा रह सके। इम्यून सिस्टम हम सबका अच्छा होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी चीज़ें जो हैं वही चीज़ें मिलकर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगी, जैसे कि एक नॉर्मल खीरा या क्यूकाम्बर जिसे कहा जाता है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आपको हाइड्रेट रखता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तमाम चीज़ें बहुत पाई जाती है। वाइटामिन तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। वो तमाम लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो तो तमाम लोग बहुत ही आराम से खा सकते हैं, और जिन्हें एकदम से कभी होता है ना शूट अप हो गया, बीपी हाई हो गया, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अगर इनटेक करते हैं तो वो स्लो डाउन होता है या लो होना शुरू हो जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू करें। एंड ऑफ कोर्स आपकी मेडिकेशन तमाम चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ, लेकिन पानी का इनटेक और इसके साथ साथ जो आपके क्यूकम्बर है वो भी उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाएँ तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि 96% वाटर कॉन्टेंट आपको मिल रहा है जी सबसे ज़्यादा क्यूकम्बर में, यानी खीरे में ही। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लोग फेस पैक बना रहे होते हैं, बालों के लिए अच्छा होता है, तो ये बेहतर है कि वो आँखों के ऊपर क्यूकम्बर रख रहे होते हैं, सिर्फ डार्क सर्कल दूर हो जाए और आप रिलैक्स हो जाए। तो जहाँ ना रखें खाएं इसे, ताकि उसके फ़ायदे जो हैं आपकी पूरी बॉडी को मिले और आप जो है अच्छा हेल्दी रह सकें। मंचिंग के लिए बेहतरीन है, बच्चों को दे सकते हैं, वो तमाम बच्चे जो पानी कम पीते हैं और कहते हैं जी आजकल सर्दियाँ हैं, पानी की प्यास लग नहीं रही, हम थर्स्टी फील करेंगे तो पानी पियेंगे। लेकिन क्यूकम्बर ऐसा है जो आप खाएं तो आप हाइड्रेट भी रहेंगे और बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, जो कि बेहतरीन है। चाहे पील ऑफ करके खिलाएं या वैसे ही खिला दें जैसे बच्चे खा सकते हैं, बट उन्हें भी उस पे लगा दें क्यूकम्बर पे। अब चलते हैं आपा की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से, आप बताइए कैसी हैं? अच्छी बात है, हम सब मज़े में रहें, खुशी के साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल, इतने किलकट्टों की आवाज़ें आ रही थी ओबी से तो मेरे कान में जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो मैंने कहा मैं बात कर रही हूँ वहाँ खूब जोर शोर से बातचीत हो रही है। चलें, और सब ठीक माहौल रहना चाहिए। खुशी वैसे फ्राइडे के दिन इसलिए भी हो रही होती है कि अब वीकेंड स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, है ना, अच्छा लग रहा होता है। ये होता है कि अब वीकेंड है। अच्छा, जब आप एक जमाना हो जाता है बहुत अरसे तक आप वर्किंग होते हैं तो एक टाइम आता है कि आपका दिल चाहता है कि बस अब छुट्टी आ जाए, बट अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दो से तीन छुट्टियाँ मिल गई तो मुझे तो बोरियत आना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ ओहो भाई ज़्यादा छुट्टी नहीं होना चाहिए, अपने काम पे। हाँ, वर्किंग करने वाला कोई भी आदमी है, मर्द है, कोई भी है, उसे ज्यादा देर बैठना अच्छा नहीं लगता ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत मुबारक हो और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए, और जितने लोगों ने दुआएं अच्छी सी की हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएं अपनी बारगाह में, और हमेशा खुशबाश रहें। क्योंकि खुशी का ताल्लुक इससे नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं या बहुत अच्छे कपड़े हैं या बहुत सारी चीज़ें, आपके दिल का अच्छा
ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی خوش رہیں گے. چھوٹی 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 چیزوں پہ خوش ہوا کریں ہمیشہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو ہمیشہ خوشی کی اور صحت کی دعا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ چیز میں نے اتنی فیل کی ہے اس پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں کہ میرے ہاتھ میں جو یہ تکلیف ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ جیسے میں بالکل معذور ہو گئی ہوں اور ڈپینڈ کرنے لگی ہوں دوسروں کے اوپر. اور آپ ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں بٹ پھر بھی لگ رہا ہوتا ہے, پھر بھی بہت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی صحت تندرستی کی دعا مانگیں, اپنی بھی مانگیں, اپنے گھر والوں کی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں, میرے لیے بھی مانگیے گا, میرے لیے اور ابیل کے بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت اچھا رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ ہماری اچھی بانڈنگ ہے. آج پروگرام میں ہم کیا بنا رہے ہیں کیونکہ ویکینڈ اسٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کوئی ایسی چیز بتا دیں جو آپ کے ویکینڈ پہ آپ کے لیے بہترین رہے. آج ہم بنائیں گے بٹر ملک فرائڈ چکن وتھ چیز سانس بنائیں گے, تریاکی چکن بنائیں گے اور پھر ایک بہت ہی الگ سی چیز ان سے بنے گی, وہ ہے جناب پالک پنیر. مطلب وہ آپ سوچیں گے کہ یہاں کہاں پالک پنیر فٹ کریں, اس میں نہیں ہوگا لیکن بہرحال یہ آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں, کہیں اور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اچھے سے نان بنائیے گا یا منگوائیے گا اور پھر اس کے بعد اس کو انجوائے کیجیے گا کیونکہ پالک کا زمانہ ہے. ہری سبزیاں ہمیشہ بہت اچھی رہتی ہیں, مزہ دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی سی ریسیپی ہے اور میں بتاؤں گی اس کی اور ٹپس بھی کہ اس کو آپ کس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی پالک پنیر کو یا پالک کو؟ پالک کو, پالک کو ہی. جی اوکے, ٹھیک ہے, چلیں جی. اچھا جی, یہاں پر ہم ایک کام کریں گے, بٹر ملک فرائڈ چکن کی پہلے ہم ریسیپی بنائیں گے, اس لیے کہ اس کو ہمیں میرینیٹ. ابھی آپ سے میں جو کام ڈیلی کہتی ہوں, جی اسپون چاہیے مجھے نا, تھینک یو. اچھا جی, چکن ہے میرے پاس یہاں پر, یہ اسکن والی چکن ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکن والی چکن ہے, یہ ہے 750 گرام, صحیح ہے. اس کو اب میں میرینیٹ کروں گی کس کے ساتھ, بٹر ملک. اب بٹر ملک کیا ہے وہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ آپ روم ٹیمپریچر کا دودھ لیجیے گا, اس کے اندر ایک لیمو جو ہے آپ ڈال کے مکس کر کے رکھ دیجیے گا. 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تھکنیس آ جائے گی, جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ بڑا اچھا سا ایک ہلکی سی اس میں تھکنیس آ گئی. یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی تقریباً 1.5 کپ, کم بھی ہو تو تھوڑا سا چلے گا لیکن یہ ذرا سا زیادہ بہتر رہتا ہے. اور آپ بہت دیر تک اس کو رہنے دیجیے گا, اس کو ہم مکس کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پورا کام نہیں آئے گا بعد میں, تو یہ ہم کیونکہ کوٹنگ کریں گے نا تو یہ ہمارے اتنا کام نہیں آئے گا. اس کے علاوہ ڈالیں گے پیپریکا پاؤڈر, پیپریکا پاؤڈر نہیں ہے تو لال مرچوں کا پاؤڈر لے سکتے ہیں. یہ چلا گیا اس میں تقریباً 1.5 ٹی اسپون. یہ مکس اٹیلین ہرب ہیں جو ایزیلی مارکیٹ میں ملتے ہیں, مکس نہیں ہے تو تھائم اور اگنو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, نہیں تو مکس تو آرام سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس تقریباً 1 ٹی اسپون ہے. اس کے علاوہ یہ میرے پاس اس کے اندر, یہ میرے پاس میدا ہے, یہ بھی اس کے اندر شامل کروں گی. اچھا, اس کے علاوہ بریڈ کرمز بھی میرے پاس موجود ہیں, یہ بریڈ کرمز ہیں, یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے. اور مجھے لگ رہا ہے میدا شفٹ ہو گیا کہیں اور نا, چلیں کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں میدا. چلیں اچھا میں دیکھ لیتی ہوں پھر نا. اچھا اس کو میں مکس کرتی ہوں, مکس کر کے, اچھا نمک تو میں نے ڈالا ہی نہیں اس کے اندر, یہ گیا اس میں نمک, نمک میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً 1.25 ٹی اسپون کے قریب. یہ چلا گیا اس میں نمک, اور ایک عدد انڈا یہ بھی میں ابھی ڈال دیتی ہوں, یہ بھی چلا گیا اس کے اندر, صحیح ہے. اس کے بعد اس کی ایک ڈرائی کوٹنگ تیار کریں گے, وہ کیسے کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو اس کو مکس, چلیں بریک کے بعد بتا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بس خوش ہو جائیے. چھوٹی چھوٹی کہتی فوراً بریک لے لو, ہم اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور جس دن لمبا کھینچ لیتی ہے نا, یہ بھی بتاؤں یہ بھی بتاؤں گی تو پھر ہماری جان اٹک جاتی ہے اس کے اندر. یہاں پر فی الحال صرف اور صرف ویرینیشن ہو رہی ہے چکن کی, بٹر فرائیڈ مزیدار سی چکن یہ بن رہی ہے. اس کی باقی کی ڈیٹیل کیا ہو رہی ہے, کیسے بنے گی, اور سارے کالرز ہو جائے تیار کیونکہ اب کالز کا سلسلہ وہ بھی شروع کرنے لگے ہیں. تمام چیزیں بتائیں گے, شیئر کریں گے, لیکن کیونکہ ابھی ٹائم ہے بریک کا, پھر اس کے بعد شیئر کرتے ہیں تمام چیزیں. ویلکم بیک, آجا جی مزے کی ریسیپی یہاں ہو رہی ہے تیار. چکن کے پیسز میرینیٹ کرنے کے لیے آپ نے رکھ دیے تھے, کوئی چیز ملال ایڈ نہیں کی, کچھ نہیں, آپ آئیں پھر بات کریں گے مزید. ہاں جی, اچھا جی, یہاں پر یہ دیکھیں چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی, یہ ہو گئی. اب میں کیا کروں گی, ایک پیس اٹھاؤں گی, بریڈ کرمز میں ڈالوں. بریڈ کرمز میں ہمیں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, جیسے کہ لہسن پاؤڈر 1 ٹی اسپون. اس کے علاوہ ابھی مجھے تھوڑا سا بیٹا یہ کھول دیجیے گا, یہ میرے پاس مکس اٹیلین ہرب, یہ چلے گا اس کے اندر. اور ڈالیں گے اس کے اندر ہم تھوڑی سی وائٹ پیپر پاؤڈر, وہ جائے گی اس میں تقریباً 1 ٹی اسپون.
नमक थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें, ज़रा सा, हाफ अ टीस्पून। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मेरे पास तकरीबन 1.5 कप है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनको कोट करेंगे, चिकन के पीसेस को कोट करेंगे। और ज़बरदस्त सा हमारे पास है जनाब ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसको हम गर्म करने के लिए अभी रख दें। ओके, डन हो गया। किस में हमने रखना है? हम इसको कढ़ाई में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से फोर्टिफाइड विद, जो कि मैं जिस तरह से बता रही होती हूँ, विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएसटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड। हिफ्जाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और बनस्पति कुछ है इसमें जी, थोड़ा सा ये मेरे ख्याल है मेरे हाथ से ब्रेड क्रम्स के रिस्क। हाँ, फिर वही थे बस, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं डीप फ्राइंग के लिए चाहिए, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा हमें। अच्छा, चूँकि चिकन जो है आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन ये कि आप बना सकते हैं 3 से 4 घंटे के बाद भी। लेकिन क्या है कि जब आप इसको बनाएंगे तो स्लो हीट के ऊपर आपने इसको फ्राइंग के लिए डालना है। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये चिकन जो है कच्ची है, तो हम इसको अच्छा मैरिनेट करेंगे तो अच्छी तरह से अंदर तक तमाम मसाले चले जाएंगे और चिकन भी टेंडर हो जाएगी। सही जी, यहाँ पे हमने इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। ठीक है ना, सेकंड रेसिपी में क्या है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तेरियाकी चिकन। इसके लिए ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर चिकन जो तकरीबन 1/2 kg के करीब है। इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, ये मैदा चला गया। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, ये नमक चला गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये काले मिर्चें, ये चलेंगे पिसी हुई काले मिर्च, ब्लैक पेपर, यानी कि थोड़ा सा आप चाहें तो लहसुन पाउडर डालें, थोड़ा सा डालें लहसुन पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर चला गया। इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम जो शामिल कर रहे हैं मशरूम्स, मशरूम्स कौन से, ड्राई मशरूम जो कि शिटाकी मशरूम कहलाते हैं, और इसमें इसका फ्लेवर बेहतरीन आता है। अगर आपको नहीं पसंद या अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो कैन में मशरूम आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, 3-4 ले लीजिएगा। शिटाकी मशरूम चूँकि ड्राई होते हैं उसको हमें पानी में भिगोना पड़ता है 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाए तो आप इस तरह से जूलियन कट कर लें। इसके अलावा मेरे पास ये शिमला मिर्च है, 2 अदद शिमला मिर्च थी, मीडियम साइज़ की थी, बड़ी हैं तो फिर आप एक ले सकते हैं। ये कर लिया। ये है ब्रोकली, ब्रोकली आजकल सीज़न में है तो इसका इस्तेमाल कर लें तो अच्छा रहेगा। अब एक काम ये करूँगी कि इसको मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्राई इसमें पहले कर लूँगी, क्योंकि ऑयल तो सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है ना। इसको मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और अपनी वेजिटेबल्स जो हैं इसको भी हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। साथ ही बनेगा एक सॉस, सॉस के इंग्रेडिएंट में एक काम करती हूँ आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास मौजूद है चिकन स्टॉक 1/2 कप, इसके अलावा तेरियाकी सॉस। तेरियाकी सॉस जो है वो जैपनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम यहाँ भी चला लेते हैं। इसके अलावा सोया सॉस, ये डालेंगे इसके अंदर। शहद यानी इसके पास हनी मेरे पास मौजूद है, ये इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालना चाहे तो डालें, बट मैं नहीं डालूँगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऑलरेडी खासा नमक है, यानी हमारे जो सॉसेस हैं। यहाँ पर हम उससे पहले हम ये करेंगे कि ये मेरे पास जो गार्लिक रखा हुआ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तमाम चीज़ें डालते जाएंगे, कॉर्न फ्लावर से इसको थिक करेंगे, फिर फ्राई की हुई चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। वेजिटेबल्स को आप चाहें तो हल्का सा स्टर फ्राई कर लें, मैं भी हल्का सा करूँगी, और फिर तमाम चीज़ों को मिलाएंगे राइस या नूडल्स के साथ, दोनों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अबील ने तो बहुत लगता है कि वीकेंड पे बनाने वाली हैं अब ये रेसिपी। हाँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी, मुझे इस तरह की रेसिपीज़ पसंद है। और फिर ऑब्वियसली आप बना रही होती हैं तो मुझे 100% श्योर होती हूँ कि ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, तेरियाकी डिशेज जब भी बनती हैं तो उसके अंदर सेसमी सीड ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिससे एक नटी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। 1 टीस्पून हम इसमें वो भी शामिल करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि सेसमी सीड ऑयल जब आप लेते हैं तो जो प्रोसेस हुआ हुआ होता है चाइनीज़ या जापनीज़ खानों के लिए, आप वही वाला लीजिएगा। छोटी बॉटल में आता है, स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है, बट क्या है कि आप उसको थोड़ा सा ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा आपका फ्लेवर जो है जो सेसमी सीड्स का है वो आपको आने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एंड में हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से सेसमी सीड्स ना, जरा लुक उसकी अच्छी हो जाएगी। यानी जब लेने जाएं तो आप एक्सपायरी चेक कर लें, बिल्कुल ज़्यादा लंबी एक्सपायरी हो ना, 4-5 साल वाली वो खरीदती होती नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी एक्सपायरी वाला आप लीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपको मसला होगा। हाँ, थोड़ा अभी इसमें जरा सा पानी डाल देंगे आप जी, जरा सा, बिल्कुल आप मेरे हाथ में डालिएगा। भरोसा नहीं है ना इसका मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद भी हो सकता है मुझे ना पता चले। डाली, थोड़ा सा डालिएगा। मुझे अंदाजा है वैसे, बस कि
कि मैं ज़्यादा कर सकती वैसे नहीं नहीं वो अच्छा। मुझे भी बाज़ का आइडिया नहीं होता ना कि पानी आ रहा है तो उस वक्त उसको कितने की ज़रूरत है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल आप कॉलर लीजिए, मैं काम करती हूँ, इसको फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जी जी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये दरअसल ज़रा छोटी हैं, बस मैं इसको डालना शुरू कर देती हूँ। जान हो गया, मिसेस बासित से हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसेस बासित, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? आज तो आप माशाल्लाह बड़ी ग्रीन ग्रीन लग रही है। हैं, अच्छा, थैंक यू। और बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह से आप। थैंक यू। और बताएं क्या कहेंगी? और बस सब ठीक है। अगर समीना आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कहाँ थी आप, आपके साथ क्या हो गया था ऐसा मसला? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ मैं, और ऑब्वियसली थोड़ा सा मसला हो जाता है, और फिर ज़ाहिर ओल्ड एज में इन चीज़ों के ज्यादा मसाइल होते हैं। थोड़ा सा कहाँ आप ओल्ड एज हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, वाकई मसले होते हैं। और फिर चलें, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद रखा, याद किया, और इसी वजह से मैं जल्दी से वापस आ गई। और कोई फरमाइश, कुछ और कहना चाह रही हैं? ओ गई मिसेस बासित, वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आप पूछती हैं, याद करते हैं आप लोग, और फिर शो भी देखें साथ साथ, रेसिपीज भी, आपकी रेसिपीज को याद कर रहे थे, आपकी बातों को, आपके चेहरे को, मुस्कुराहट को, हर एक चीज़ को हम सब लोगों ने बेतहाशा मिस किया। बिल्कुल, वो तो है कि हमने ज्यादा देर आपको आराम नहीं करना दिया, हमने कहा जी थैंक यू सो मच। वैसे सच्ची से बता रही हूँ, मुझे खुद भी इतना आराम करना पसंद भी नहीं है। फिर दूसरी बात ये, मेरा एक टाइम होता है ना, मैं एक ज़माने से काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो टाइम ऐसा होता था कि मेरा दिल चाहता था मैं उड़ के पहुँच जाऊँ सब तक ना। लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। और अब हम इसको थोड़ा सा क्योंकि ये देखें, ये क्योंकि बोनलेस है, और दूसरी बात ये कि बहुत ही बारीक बारीक से कटी हुई है, ये जूलियन कट हुई हुई है, इसको बस मैं थोड़ा सा और कलर दूंगी, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, देखें इसी में हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। फिर ये जो चिकन के पीस है, मैं ब्रेक आ रहा है क्या? अच्छा, तो मैं एक आपके पास आ जाऊँ? हाँ, मैं एक बता देती हूँ किस तरह से हमने कर लेंगे। अभी मुझे पकड़ने के लिए आ जाती है, आप प्लीज़ ब्रेक ले लें। ये मैं तो यहाँ से बोलती हूँ आपा, मतलब एक इशारा देती हूँ आपा, ये जल्दी कर लेगा, ब्रेक लेने देगा। ये देखे, इस तरह से हमें कोटिंग करनी है और उसको फ्राइंग के लिए डालना, बस। अच्छा, बस बस। लेकिन ये अभी क्रम्स हैं, सिर्फ क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमें लगाने, डन हो गया। तो ये सारा फ्राई करेंगे हम फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लें और सेहत से भरपूर जायकेदार तैयार हो जाए। ये हमारा इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल जो है, फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम फ्राई करेंगे, जायकेदार तैयार। और फिर इसके बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी की जो मैरिनेशन है, बेसिकली वो फर्स्ट में ही हुई थी तमाम मैरिनेशन, बस उसके साथ हमने क्रम्स की कोटिंग करनी है, और उसके बाद उसे हम फ्राई कर देंगे सेम ऑयल जो कि हमारा है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में से फ्राई करेंगे। मज़ीद कुछ डिटेल होगी, कुछ कन्फ्यूजन होगी, तो वापस आते हैं, शेयर करते हैं। फिर एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है जो बहुत कॉमन है, हम सबके घरों में बनती है, इन दो रेसिपीज से हट करें, जो कि पालक पनीर, उसे जाना है इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, दो तरफ चिकन हो रही है फ्राई, दो तरफ नहीं हो रही, एक्चुअली उसी ही ऑयल में, क्योंकि हमारा कुकिंग ऑयल इतना बेहतरीन है कि हमें जी कोई टेंशन नहीं, हम रीयूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ करके आप लोगों को बताया, ताकि आप लोग भी जब अपने घर में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लाएं तो इसको आप रीफ्राइंग कर सकते हैं आराम से। देखे जी, अच्छा ये हो गई चिकन पे, आपने देखा बहुत कलर नहीं हमने किया, ठीक है ना, हल्का सा उस पर कलर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन पक चुकी है, कोटिंग अच्छी है, कोटिंग अच्छी सी है। अब यहाँ पर जो मैंने कोटिंग की थी वो मैंने आपको एक ब्रेक पे जाने से पहले दिखा दी थी, और इसके बाद हमने इसमें फ्राइंग के लिए डाल दिया। अब मैं इसको पता है ज़्यादा मैंने अभी तक इसको टर्न नहीं किया है, ये ऐसे ही कुक होती रहेगी, इसमें एक गल भी जाएगी और चिकन अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। इसकी कोटिंग वो कोटिंग नहीं है जैसे कि हम रोस्ट की बनाते हैं तो बहुत मोटी सी कोटिंग होती है, उस तरह की कोटिंग इसकी हरगिज भी नहीं होगी। फ़ौरन ही आपने इसको हिलाना नहीं, वरना कोटिंग फ़ौरन उतर जाएगी, क्योंकि इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये जल्दी भी उतर सकती है। अब ये देखें, ये बेहतरीन हो रही है, जैसे ये हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लूँगी, अभी नहीं करी। आ जाते हैं इस रेसिपी का, हम जो सॉस बनाने जा रहे हैं वो बना लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा इसमें।
अगेन हमारे पास तो एक ही है जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है और हम इसी को ही प्रेफर करते हैं अपनी हर रेसिपी के लिए, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल या फिर हमारी देसी हो, हर रेसिपी के लिए परफेक्ट है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनस्पति का इस्तेमाल कीजिए। कितना चाहिए आपको? बस बस बस, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गया ये लहसुन, ठीक है, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये नहीं अब चलें, खैर मैं कोई बात नहीं, मैं इसी में कर लेती हूँ। मुझे चेंज करना पड़ेगा पैन अपना ना, मुझे इसमें वेजिटेबल्स डालनी थी जो मैंने इसमें ये डाल दी। कोई बात नहीं, एक और दूँ? हाँ हाँ, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बड़ा है, ये दे दें। हाँ चलेगा, ये चलेगा, नहीं बल्कि आप एक काम करें, ये दे दीजिएगा मुझे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। डन, कोई इशू नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए, वो मैं बाद में डाल दूँगी इसके अंदर। ऑलराइट, तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल अगेन हम ले रहे हैं अपनी इस रेसिपी के लिए जो कि हम शामिल कर रहे हैं, जीरो कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए एंड डी से भरपूर और इसके साथ साथ। चलिए इसको मैं आंच को तेज़ कर देती हूँ, सही है, और अब हम इसमें सॉस की तमाम इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये चिकन स्टॉक, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, चिकन स्टॉक, ये चला गया चिकन स्टॉक। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये तिरयाकी सॉस, ये ज़रा सा थिक होता है, इसके अलावा ये सोया सॉस, इसके अलावा ये गार्लिक पाउडर, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये हनी, हनी जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ये हनी चला गया। इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, बेहतरीन, सही ये हो गया। अब बारी आती है कि वो जो मैंने थोड़ा सा लहसुन को फ्राई किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये फ्राई करके डालना है या नहीं? नहीं नहीं, फ्राई हो गया है, हाँ डालना था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी पहले वेजिटेबल को सौते करना था। चलो मैं इसको यहाँ रखती हूँ और एक काम करती हूँ कि ये गया लहसुन इसके अंदर और ये जो बचा हुआ है इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। डन। अब कितना कुछ, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रही इसके अंदर, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई ये आप क्या कर रही हैं ना। ये हो रहा मिक्स हो रहा है और अब बारी आती है कि मैं ये कॉर्नफ्लोर इसको पानी में हम डिसॉल्व कर लेते हैं, तकरीबन हाफ अ कप पानी में आप कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। चलें जी, ये हो गया और चिकन बेहतरीन से हमारी, अभी हमारी एक रेसिपी और रहती है पालक पनीर की, जो कि बेइंतहा पसंद भी किया जाता है। पालक पनीर हम बाहर भी जाते हैं और लेकिन घर में बनाना आसान काम है, और इसका आसान तरीका ये है कि जनाब आप सबसे पहले घर में एक काम ये करें कि पालक और मेथी को बॉईल करके रख लें और फ्रीज़र में डाल दें, फिर जिस दिन आपका दिल चाहता है आप उस दिन बना सकते हैं, ठीक है। अरे वाह, इसमें ब्रोकली, ब्रोकली ईजीली मिल जाती है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसके अलावा ये गई शिमला मिर्च और ये गया इसके अंदर ये मशरूम्स, बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमें इसको कलर देना, कलर तो हमें बिल्कुल ही नहीं देना, हल्का सा सौते करना है, ठीक है जी। ये हो रहा है, अच्छा अब मैं एक काम करती हूँ, ये देखें जी कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर, थोड़ा सा इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। चलो जी, ये देखें थिक सा तिरयाकी सॉस, ये देखें बेहतरीन इसकी शक्ल आ गई है। इसका चूल्हा मैं फौरी तौर पे बंद कर रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये तमाम सब्जियाँ, और इसके बाद हम इसमें ये चिकन अभी दीजिएगा आप डाल दीजिए इसके अंदर, ये सारी वो चिकन जो हमने फ्राई की थी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, बेहतरीन। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ये देखें हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए सॉस की, बहुत ज़्यादा रनी सॉस नहीं चाहिए, ये देखें बहुत अच्छी सी हो गई। अब ये मेरे पास जो मौजूद है यहाँ पे सेसमी सीड ऑयल, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये गैस में तकरीबन 1 टीस्पून। ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद हम क्या करें, अच्छा ब्रोकली आप सोचे होंगे लेकिन ब्रोकली जो है ना बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, तो इसलिए अगर आपने इसको ज़रा सा भी ज़्यादा कुक किया तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी नीचे चूल्हा जल रहा है, नहीं बंद हो गया, ठीक है ना, तो ये इसी हीट में ये हो जाएगी बेहतरीन। मैं इसको निकालूंगी और सर्व करूंगी। अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको टर्न कर लेते हैं, जिसको हमने बहुत देर से नहीं किया, बहुत देर से मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं कर दूं कर दूं, मैं आपसे डर के नहीं किया। अच्छा किया आप, वैसे चिकन से भी डरें क्योंकि फिर उसकी कोटिंग निकल जाएगी। अच्छा अब मैं थोड़ी सी हीट ज़्यादा कर दूंगी, बस आप हीट ही ज़्यादा कर सकती हैं फिलहाल। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम कर दें कि हम इसकी सर्विंग कर देते हैं। डन हो गया, तिरयाकी चिकन जो कि रेडी है, बस इसे सर्व करेंगे यहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ्राइड जो चिकन है वो रेडी हो रही है। फिर आगे क्या हो रहा है? फिर है पालक पनीर।
समीना आपा का है खास स्टाइल जो कि बनाना आपको बता रही है, जिसके लिए आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहाँ जाके ऑर्डर कर रहे होते हो, बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन अब इसे आप घर में बना सकते हैं, बेहतरीन मज़ेदार उसी तरह का टेस्ट आप दे सकते हैं। वेल, इसकी डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने देखा हम सारे टेबल पे घुसे हुए, हम सारे के हम दोनों ही ऑब्वियसली सारे हो गए, लेकिन इतनी मज़े की रेसिपीज जो कि सर्व हो गई है। मेरा तो टोटली फोकस ये होता है कि मैं रेसिपीज़ की शक्ल देखूं ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में बताऊं, लेकिन हमारे कैमरामैन कोई कसर छोड़ते नहीं, जितना डीपली अंदर तक आपको अच्छे से दिखा रहे होते हैं। अब देखिए वनस्पति, अच्छा चिकन जो है देखें फ्राई हो रही है, हाँ। और आप ये चेक कर सकते हैं कितनी कोई माशाल्लाह से खूबसूरत से कलर की हो गई है। अब हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर के लिए मैं बना लूंगी यहाँ पर फौजी वनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार वीटी वनस्पति, 100% जीरो कोलेस्ट्रॉल वनस्पति, वो भी जीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ आपको मिल रहा है। एक मिनट ज्यादा कर ज्यादा फौजी वनस्पति, सॉरी इधर ज़्यादा हो गया था। okay. अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा, हमने यहाँ पे फौजी वनस्पति इसको गरम कर लिया है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये आपको हम बता दें। टोमेटो प्यूरी ये चली गई इसके अंदर, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये हरी मिर्च का पेस्ट, और डालेंगे इसमें थोड़ी सी शुगर इसके राइस को मेनटेन कर लिए, बाकी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन 3/4 टीस्पून, और ज़रा सा मैं पानी डालूँगी ताकि ज़रा इसकी उछल कूद थोड़ी सी बंद हो जाए। तो इसके लिए आप, मैंने लिया था 1 किलो पालक, ठीक है, और ऐसे थोड़ी सी आप 1 कप के करीब मेथी ले लीजिएगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से काट के धो के आपने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद आपने इस सूरत में, यानी मैंने इसको काट लिया, पीस लिया, थोड़ा सा पीस गया, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको फ्रीजर में डाल देना, जब हमें ज़रूरत है हम निकाल के कर सकते हैं। ये तब तक फ्रेश रहेगा जब जब आप निकालेंगे, जब जब यूज़ इंशाल्लाह। ये मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ। बटरमिल्क फ्राइड चिकन बेहतरीन हो रही है ये। यहाँ पर हमारा पालक पनीर जो है उसका मिक्सचर भी तैयार हो रहा है। बस अब इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल हमने नहीं करना, हरी मिर्च पिसी भी डाली है इसलिए ये गया इसमें पालक। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, इसको हमने पीस लिया। अच्छा पीसा हमने इस तरह से कि हल्का सा इसको हमने चंकी रखा है। ये बड़ा झटपट वाला पालक पनीर है, आपके पास अगर फ्रीज़र में पड़ा हुआ होगा तो आपके गैस पर आएँ, आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा, बस आपने तेज़ आंच पे इसको भूनते रहना। अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये कॉटेज चीज़ यहाँ पे मौजूद है, चीनी इसलिए डालिए ताकि इसका कलर अच्छा मेंटेन रहे। इसके अलावा जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, ये चला गया ज़ीरा पाउडर, और ये मेरे पास कॉटेज चीज़ है। अब कॉटेज चीज़ आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। मैं फ्राई के बगैर ही डालूंगी, फ्राई के बगैर मुझे वैसे ही ज़्यादा पसंद है। ये हो गया। अब चूँकि हमने जब पालक को बॉईल किया था तो अच्छा बॉईल हुआ हुआ था, टमाटो प्यूरी उसको भी कुक होने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है, तो तेज़ आंच पे इसको बुलाएंगे। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका पालक पनीर बेहतरीन से तैयार हो जाएगा। चले जी अब बारी आ गई है, इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। क्रीम हम डालेंगे इसमें ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, लेकिन मैंने भर के ही शामिल किए, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इसको अच्छा सा मिक्स देने के लिए 1 टीस्पून के करीब भर के हम ज़रा डालेंगे इसके अंदर मैदा या आटा, ये मैदा अच्छा? लेंगे जी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ये देखेंगे इसको। अब 2 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूंगी, पालक पनीर तैयार है। नहीं करें जी, मतलब इतनी मिनटों वाली रेसिपी, इसलिए देखें कि इसमें पालक जो है वो आपने रख दिया था पहले ही बॉईल होने के लिए, उसके बाद जहर वो गल गया, उसको आपने थोड़ा सा पीस लिया। टोमेटो प्यूरी इसके अंदर आपने शामिल की, आपको पता है कि टोमेटो प्यूरी तो ऑलरेडी पक्की भी होती है, तो उसको भी पकाने की ऐसी ज़रूरत नहीं। हरी मिर्चें हमने डाली, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है तो वो भी आपको कुक करने की ज़्यादा। नमक मैंने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया, उसकी वजह ये है कि पालक में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो देखभाल के डालिएगा, अगर ज़रूरत है तो डालिए वरना ना डालें तो बेहतर रहेगा। वैसे ही कि मैंने इसमें शायद 1/2 टीस्पून डाला था जी, मैंने 1/2 टीस्पून डाला था, आप डालना चाहें तो डालें। इसमें मैंने शुगर इसलिए ऐड की है कि दरअसल इसका कलर अच्छा ब्राइट रहेगा, अभी तो ये काले उसमें है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, जब हम इसको निकालेंगे तो अच्छा ब्राइट। अब आप चाहें तो कॉटेज चीज़ थोड़ा सा आप इसमें भी शामिल कर सकते हैं, चाहे कुछ तो इसी स्टेज पर फ्राई करके डाल सकते हैं। बिल्कुल मैं इसमें डाल रही हूँ जी,
थोड़ा अच्छा, यानी इसका मतलब अगर आपके पास पालक रेडी रखा हुआ है विद इन नो टाइम जितनी देर में खाना आपका गर्म होता है उतनी देर में पालक पनीर तैयार मैं तो बना लेती हूँ बिल्कुल आराम से। ये देखें क्या बात है, जबरदस्त। तो क्या करें, ब्रेक ले लेते हैं, बस फिर आपने रेडी कर दिया, बस सब कुछ हो रहा है। अच्छा, दो मिनट दम पे रखूंगी मैं, इसको निकालूंगी और क्रीम से गार्निश करें। ये चिकन हो जाएगी तो ओहो, ये भी हो गई माशाल्लाह से, तो डन हो गया। बस अब हम ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो तमाम चीजें आपने रेडी कर दी। आपने देखा कितने सेकंड्स में हम तैयार कर सकते हैं पालक पनीर को, बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपी। वेल, इसका रिकैप होने लगा है तीनों रेसिपीज का, इवन कि उनको अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ कुछ मिस नहीं हुआ है, ताकि आप लोग जब बनाए इस वीकेंड पे या जब भी आपका दिल करता है बनाए तो वो परफेक्ट बने, जैसे कि समीना आपा ने आपको सिखाई है। तीनों रेसिपीज का रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक, फिर आ रहे हैं, हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ रेसिपीज रेडी हैं और बड़े ही हम खुश हैं, क्योंकि जब मज़े की रेसिपीज बनती हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, दो तरह की सर्विंग आपने दिखा दिए तिरियाकी चिकन में, चाहे तो राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप खुश होती रहे देखती रहे। असल में मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, आप लोग सोचेंगे कि रेसिपीज को देख के क्यों इतना हंस रहे हैं। ब्रेक टाइम में इतना कुछ हो रहा होता है यहाँ पे कि बाज़ वक़्त हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही होती। तुम्हारा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी थैंक गॉड होता है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं, वरना तो मेरा तो वो आलम होता है कि मैं तो अभी ये लोटी पड़ रही थी थोड़ी देर में, मतलब मैं मुझसे नहीं कंट्रोल होती। अच्छी अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैं चीज़ सॉस इसका बनाना भूल गई थी, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी। चीज़ सॉस के लिए हमने क्या था, चेडर चीज़ लिया तकरीबन जैसे आधा कप चेडर चीज़, आधा कप उसमें दूध डाला और आधा कप भी अगर आप उसमें क्रीम शामिल करें और उसमें वाइट पेपर पाउडर एक पिंच डाल के थोड़ा सा इसको कुक कर लें तो एक थिक सा सॉस हो जाएगा। वो बस मैंने गरम गरम इसके ऊपर पोर किया और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डाल दी ताकि अच्छा सा कलर आए। चाहें तो सॉस को आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं या चाहें तो आप इसे भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर फौरन सर्व कर रहे तो ऊपर से पोर कर दें, ऊपर से पोर कर दें, वरना अगर आप बना के जैसे रख देंगे बहुत देर तक तो क्या होगा कि उससे सॉगी हो जाएगा, क्योंकि तो मेहनत की थी, आपने फ्राई किए क्रिस्पी क्रंची से एकदम। लेकिन ये ज़ाहिर है मैंने इसलिए किया कि ज़ाहिर है मुझे डाल के दिखाना था कि किस तरह से करना है, वरना आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तैयारी चिकन आप देख सकते हैं कितनी कोई शानदार और ज़बरदस्त सी बनी है, आप इसको ज़रूर वीकेंड पे बनाइएगा, आप इंजॉय करेंगे। और ये चिकन जिन लोगों को जैसे कुछ ब्रोस्ट चिकन ब्रोस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोटिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इसकी बहुत सिंपल और आसान सी और बड़ी लाइट सी कोटिंग है जो आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लगेगी, अच्छी लगेगी, आप बनाइएगा फिर इंजॉय कीजिएगा। और बटर मिल्क के अंदर आपने चिकन को अगर पूरी रात के लिए छोड़ दिया तब तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, चिकन आपकी खस्ता भी हो जाएगी, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं कि हमने कच्ची ही चिकन रखी थी, इसको हमने कोई स्टीम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और इसी तरह से हमने इसको कुक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें गल गई है। बहुत स्लो हीट पर बनाइएगा और चूँकि क्रम्स लगे हुए हैं तो इसको आपने फौरी तौर पर टर्न नहीं करना, जैसे ही देखिएगा कि एक साइड से हो गई है उसके बाद आप दूसरी साइड उसकी चेंज कीजिएगा, तो वरना आपकी कोटिंग जो है सब निकल जाएगी और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, है ना। पालक पनीर, पालक पनीर, हाँ पालक पनीर तो आपने देख ही लिया कितना झटपट हमने बना लिया था, आप भी बना सकती हैं। बस ये है कि पालक और मेथी को बॉयल करके रख लीजिए, उसका ये होता है कि एक किलो आपने पालक लिया तो उसके अंदर मेथी जो है ना वो आपने जैसे एक कप के करीब मेथी जो है अच्छे से वॉश करके उसको थोड़े से पानी में उसको ब्लांच करके रख लीजिए और फिर इसका पानी डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि उस पानी से भी एक डार्कनेस आ जाती है आपके पालक पनीर के अंदर। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में डाल दें तो उसके जब आप निकालेंगे तो आपने देखा मैंने कितना झटपट बना लिया, इसी तरह से झटपट आप भी बना सकते हैं। अच्छा, उसमें था तो आपको एग्जैक्टली कलर नजर नहीं आया था, आपने स्पेशली व्हाइट में ही किया ताकि आप इसका कलर देख सकें, फ्रेश ग्रीन कलर आपको अच्छा मिलेगा। यूजुअली पालक पनीर इतने डार्क हो जाते लगता पता नहीं कितने पुराना कितना पालक पुराना है, हाँ, जिसको बना के या सर्व कर दिया गया है। अभी एक बात ये भी होती है कि आप अगर पालक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम तक उसको ब्लांच करेंगे पकाएंगे तो काला पड़ेगा, आप उसको सिर्फ जैसे कि आपने अगर ब्लांच करना है तो आप उसको थोड़ा सा जैसे कि आपने पानी लिया है जैसे एक किलो के लिए
आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डाल दीजिए। बॉयल है, आपने पालक डाला, 2 से 3 मिनट उसको कुक करें और छलनी में डालें और उस पर नॉर्मल टैप वाटर डाल दें, तो उसकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी और आपके पालक का कलर अच्छा सा रहेगा इंशाल्लाह ताला। डन हो गया, ठीक है, अब है इजाजत लेने का टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेसिपीज आपने देखी, पूरा वीक आपने देखा, मजे की रेसिपीज के साथ सजाया समीना आपा ने कि कैसे कैसे हम बहुत आसानी से बड़ी बड़ी सी वो रेसिपीज मिनटों में आसानी से और इजी रेसिपीज के साथ तैयार कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी बेस्ट आपको लगती है वो वीकेंड्स पे बनाइएगा, सैटरडे संडे, एंड देन फीडबैक देते रहिए तो कि हमें अच्छा लगता है। फेसबुक में हमारी रेसिपीज जो है वो अपलोड हो जाती हैं, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आज का शो आज रात 10:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रिपीट हो जाता है, तो उसे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ देख लीजिएगा ताकि आप हर रेसिपी को प्रॉपर और अच्छा बना सकें। नेक्स्ट वीक भी होगा बहुत ही शानदार और मज़ेदार, और होंगी राइस की भी बहुत सारी रेसिपीज उसके अंदर। देखिए आप मुझे चैलेंज ना करें, मैं अभी आपको खोल के दिखा सकती हूं। अच्छा, आज मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। अच्छा जी, मंडे को यहाँ पे बनेगा बहुत ही जबरदस्त सा फिश मक्खनी मसाला, इसके अलावा ज़ाफ़रानी मटर पुलाव आगे है ना। अच्छा, उसके अलावा बनेगी प्रॉन जलफ्रेजी है, चिकन रोगन जोश है और कॉफ़ी चॉकलेट मूस बनेगा ट्यूसडे को। वेडनेसडे को बनेगा देगी चिकन बिरयानी और इसके अलावा तंदूरी मटन बनेगा। और थर्सडे को बनेगा यहाँ पे बाजरा मखनी कढ़ाई बनेगी और बाजरे के कबाब बनेंगे और क्रीमी मिक्स चाट बनेगी जो बहुत ही शानदार आजकल फ्रूट्स आए में। फ्राइडे को बनेगा चिकन चटखारा, शकरकंदी का मीठा और ऑरेंज सैलड। तो बिल्कुल देखते रहना है, आपके हमारा भरपूर कंप्लीट वीक है जो कि आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक तो एक भी दिन मिस नहीं करना है। मुलाकात करेंगे मंडे को मजेदार रेसिपीज के साथ। हो रहे हैं हाजिर, दीजिए इजाजत, अच्छा सा वीकेंड गुजारें सेफली, अच्छे खुशी के साथ, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।